गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। इतना टाइम हो गया था कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी एंड टुडे आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग न्यू। जो नया नया लॉन्च हुआ है, मैं बहुत खुश थी जब नायका पे मॉर्फी फाइनली लॉन्च हो गया। आई वाज वेटिंग फॉर दैट डे कि वो कब लॉन्च होगा और मैं कब उसके प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगी। मैं आज तक मॉर्फी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज किया है और वो है ये जो है मेरा जेम्स चार्ल्स पैलेट। आई एब्सोल्युटली लव इट। एक तो इसमें से टूट भी गया विच वॉज अ व्हाइट शेड। आई टोटली लव इट ऑल एंड टू ऑफ देम जिसमें मैं तो पैन हिट कर चुकी हूँ। आई मीन दीज टू पर्पल एंड पिंक शेड आर सो गुड। मैंने मॉर्फी के ब्रशेस आज तक ट्राई नहीं किए थे एंड फॉर क्वाइट सम टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे को अपना ब्रश कलेक्शन भी इंक्रीज करना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं पैक कॉस्मेटिक्स का जो 15 ब्रश वाला सेट होता है विच कॉस्ट अराउंड 4500-5000 मैं वो लूंगी बिकॉज दोज ब्रशेज आर रियली गुड। सो आई वॉन्टेड अ होल सेट। तो इसलिए मैंने मॉर्फी का पूरा बॉक्स ले लिया विच वॉज लाइक दिस। ये है आई ऑब्सेस 12 पीस आई ब्रश कलेक्शन विद अ मॉर्फी बैग इन इट। और मेरे को लगा ये बहुत ही अच्छा डील होगा। आई मीन 2800 का आपको 12 ब्रशेस मिलेंगे विच विल बी अराउंड 235 रुपीज पर ब्रश। एंड इन 12 ब्रशेस में से अगर 7-8 ब्रश क्या सारे के सारे ब्रशेस अच्छे परफॉर्म किए तो इट विल बी सो गुड फॉर मी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो आपको आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहे मैं कब कब वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड डू कमेंट डाउन कि आपको किस चीज से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। 12 ब्रशेस है वो ऐसे आए हैं इन दी सेलोफीन रैप्ड। तो आई थिंक और हर ब्रश में सिर्फ मॉर्फी लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। एंड दिस इज ऑल द ब्रशेज इट केम इन। ये ब्रश सेट मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन देखते ही कैसे लगा। दिस आर ऑल द ब्रशेज विच आई टॉक अबाउट वन बाय वन। लेकिन अगर दूर से देखे तो एक तो कोई इम्प्रिंट नहीं है, कोई नाम नहीं है ब्रश का, सिर्फ मॉर्फी लिखा हुआ है। आई मीन थोड़ा बहुत नाम होता तो इट विल बी ईजी कि मैं आप सबको बता पाती ताकि कोई अगर स्पेसिफिक अच्छा ब्रश है और वो इंडिविजुअल पैकिंग में तो आप लोग ले सके। ऊपर से इनकी पैकेजिंग जो है आई एम नॉट क्वाइट लाइकिंग इट। आप ये देखिए मैंने इसको एक बार भी यूज नहीं किया, इसके फर्स निकल रहे हैं ऐसे ऐसे। मैं एक एक करके ब्रश के नाम लूंगी एंड आई टॉक अबाउट फर्स्ट इम्प्रेशन कि वो कैसे लगते हैं मेरे को या नहीं लगते। एंड ब्लेंडिंग टू एवरीथिंग इन बिटवीन वंस यू गेट योर हैंड्स ऑन दीज 12 लस्ट हैव ब्रशेज यू वॉन्ट लेट देम गो। आई मीन बहुत बड़ा क्लेम है। द फर्स्ट ब्रश आई हैव इज लार्ज शेडो फ्लफ ब्रश। लार्ज शेडो फ्लफ ब्रश है। मैंने इसका ये अगर ये मैं निकाल के आपको ये दिखाऊंगी, दिस इज हाउ इट इज। इट्स सो बिग, आई मीन मेरी आंखों को ये कवर कर देता है इफ आई डोंट ओपन इट। आई मीन इससे मैं क्या ही कर लूंगी और कितना ही मैं पैक कर लूंगी। ये हाईलाइटर के लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है क्योंकि ये काफी बड़ा है। आई मीन थोड़ा छोटा थोड़ा प्रिसिशन होता तो दैट वुड हैव बीन गुड। यूज इट एंड लेट यू नो हाउ इट परफॉर्म्स। वो है ब्लेंडिंग ब्रशेस और मेरे पास 3 ब्लेंडिंग ब्रश है। वन इज द फॉर्म ब्लेंडिंग फ्लफ ब्रश, वन इज द ब्लेंडर ब्रश एंड वन इज द पॉइंटेड ब्लेंडर ब्रश। 3 ब्रशेज है। आई थिंक द ब्लेंडिंग फ्लफ ब्रश विल बी दिस वन जो सबसे ज्यादा फ्लफी है। यू सी ओवर हेयर इट्स मच मोर फ्लफियर देन अदर रेस्ट। एंड इन दोनों में ये फिर भी थोड़ा छोटा है, ये तो काफी ही बड़ा है। दिस विल बी गुड जस्ट फॉर यू नो पैकिंग एनी स्किन टोन और वाइट कलर ऑल ओवर योर आईलिड। उसके अलावा एक आता है पॉइंटेड और एक आता है फॉर्म। आई थिंक दिस वन आई डोंट नो इन दोनों में से पॉइंटेड कौन है और फॉर्म कौन है। लिटरली ये दोनों सेम है, बस साइज का थोड़ा डिफरेंस है। एज यू कैन सी टोटल सेम है, साइज का डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डेंस है तो आई थिंक दिस विल बी द फर्म वन क्योंकि ये काफी डेंस है। और ये जो है ये थोड़ा फ्लफी है बट पॉइंटेड तीनों में से तो कोई है नहीं। नेक्स्ट इज स्मॉल चिसेल फ्लफ ब्रश। आई थिंक दिस वन विल बी द स्मॉल चिसेल फ्लफ ब्रश बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फ्लफी, इट्स स्मॉल एंड इट विल बी रियली गुड टू यू नो क्रिएट अ क्रीज एंड इट्स नॉट दैट डेंस। आई थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन इज ओके, नॉट वाओ और समथिंग लाइक दैट। एंड उसके बाद आता है एक स्मजर ब्रश विच इज लाइक दिस। दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। दिस इज नॉट डेंसली पैक्ड विच आई एम नॉट लाइकिंग इट
that much. These two are the brushes. I'll show it to you. One is the detailed one and another one is the pointed one. I think this will be the pointed one kyunki ye thoda sa bada hai aur kafi dense nahi hai. Quite fluffy and this one is quite dense as comparative and bahut hi chota hai. So it will be the detailed pointed brush jo ki agar humne high points idhar in a corner pe ya kahin pe use karna hai we can use this. These two I'm quite liking. Next I have a concealer brush which looks like this. This is how it is. It's quite dense. It's really small, really good if you want to, you know, just pat down all the concealer all over your eyelids. I'll use it and let you know. Next two brushes are liner brushes. I mean, ek liner brush to theek hai, but do mujhe iska kuch use nahi laga. First is this, which is a flat liner brush. Ek to ekdam hi firm nahi hai, jo main isse apna yahan par eyeliner kar sakun. Smudging ke liye kaam aa sakta hai. Smudging brush hai, uski jagah main ye use kar sakti hu smudging ke liye, kyunki thoda densely packed hai. But ye itna bhi densely packed nahi hai, jo ek liner brush ko hona chahiye. So I'm not quite happy with this. And next is this pointed liner, jo detail liner brush hai. ये भी काफी सॉफ्ट और काफी बिग. इफ आई विल बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ इट और नॉट आई विल यूज इट एंड लेट यू नो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव दिस आईब्रो स्पूली ब्रश. स्पूली लुक्स क्वाइट गुड, क्वाइट फर्म, क्वाइट नाइस. बट द आईब्रो एंगल्ड ब्रश दैट इट हैज अगेन नॉट फर्म. Most of the brushes are not densely packed and firm, which I'm not liking it. Ending brush हो या थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है कि अगर इतना firm ना हो, क्योंकि कम firm brushes भी चाहिए होते हैं which are not densely packed. But mostly अगर detailed eye work करना होता है तो उसके लिए तो densely packed चाहिए ही चाहिए ना. I'll use each one of brush and I'll let you know how it worked and how it performed on my eyes. So stay tuned for that. सबसे पहले मैंने कंसीलर ब्रश लिया एंड आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विथ हाउ स्मॉल इट इज. मैं अपने पूरे के आईलेट्स को नहीं कर सकती, लेकिन अगर कट क्रीज या हेलो करना है उसके लिए परफेक्ट है. एज यू कैन सी, जो बड़े ब्लेंडिंग ब्रश है वो काफ़ी ही बड़े हैं मेरे आई लुक के लिए. एंड इवन दे आर नॉट पिकिंग अप द करेक्ट अमाउंट और ब्लेंडिंग बिल्कुल ही स्मूथ नहीं हुई. एंड आई नो ये इशू जो है वो आई शेडोज का नहीं है, वो ब्रशेज का है. नॉट क्वाइट लाइकिंग द प्रोडक्ट. जो भी ब्रशेज हैं मैं उसको मल्टी यूज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए. इस लुक में जो सबसे ज़्यादा मुझे ब्रशेस पसंद आए हैं वो है पेंसिल ब्रशेस, चाहे वो थोड़ा बड़ा हो या बिल्कुल ही पॉइंटेड हो. उससे अच्छा प्रिसिशन आया था और मेरी आई लुक को थोड़ा सा डेफिनेशन मिला. उसके अलावा मोस्ट ऑफ द ब्रशेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. मुझे लाइनर ब्रशेस दोनों के दोनों पसंद नहीं आए. दो जो फ्लैट लाइनर ब्रश था उसके लिए मैंने अपने लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए काम आया, विच वॉज ओके. मेरा लाइनर ब्रश भी बिल्कुल सही नहीं था और मुझे टाइम लगा टू गेट अ होल्ड ऑफ इट. ओवरऑल इट वाज एन ओके प्रोडक्ट. सो गाइस, ओवरऑल मैंने ये पर्पल हेलो आईज क्रिएट किया. आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद द ब्लेंडिंग क्योंकि ये ज्यादा और स्मूथ हो सकती थी. फिर भी आई ट्राइड इट best to work with. Actually some of the brushes were not up to the mark. These three were like total waste. They are bahut bade hain and my eyes are like hooded eyes, so it does not perform really good and gives a good precision. और ये जो ये स्मजर ब्रश है इट डज नॉट स्मजेस. मतलब तुम स्मज भी करने लगोगे ना, मेरी आईज इतनी छोटी है. सारे ब्रशेज है जो मैंने मल्टी यूज किए एंड इवन बहुत सारे ब्रशेज है जो मैंने वैसे यूज नहीं किए जैसे मुझे करने चाहिए थे. आई एम नॉट क्वाइट हैप्पी विद द परचेज दैट आई डिड. आई वेस्टेड माई मनी. आई फील दैट इससे बेटर था कि मैं कोई 5-6 पैक के ब्रशेज ले लेती फॉर अराउंड 3000 एंड दैट वुड हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली. ठीक है जो है, आई हैड टू ट्राई इट आउट. आई वुड रेट इट 5 out of 10 एंड आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू नॉट टू गो फॉर दीज ब्रशेज. कोई 3-4 जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ब्रशेज है आप वो लो एंड दैट टू ऑफ हायर क्वालिटी. इफ यू वॉन्ट टू स्प्लर्ज मोर गो फॉर सिग्मा, गो फॉर मैक ब्रशेज, दोज आर bomb.com. बट इफ यू वॉन्ट टू स्प्लर्ज लेस, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स बुरे नहीं है. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. हैव अ नाइस डे. Bye.